हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 12 से 18 महीने के शिशु का डाइट प्लान बताएंगे, यानी कि 1 से 1.5 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो उसको आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, किस तरह से आप उसको चीज़ें खिलाएं, किस फॉर्म में आप उसको चीज़ें खिलाएं, यह हम आप आपको बताएंगे। यह वह समय होता है जब आप अपने बच्चे को खुद से खाने की आदत डाल सकते हैं। वह स्पून पकड़ना सीखता है, उसको कैसे अपने मुँह तक पहुँचाना है, कैसे खाना खाना है, यह भी वह इस समय में सीखता है। इसलिए अपने बच्चे को आप इस समय खुद हाथों से अपने हाथों से स्पून पकड़ के कैसे खाना खाना है यह सिखा सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस समय आप अपने शिशु को क्या क्या खिला सकते हैं। सबसे पहले है सूजी का हलवा। 1 साल के बाद अपने बच्चे को आप चीनी या नमक दे सकते हैं, इसलिए आप उसको सूजी का हलवा आसानी से बना के खिला सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप सूजी की खीर भी खिला सकते हैं, उसमें सूजी के साथ साथ दूध भी होता है, तो यह भी उसके लिए बहुत अच्छी होगी। उबले हुए आलू, बॉयल्ड आलू भी आप उसको खिला सकते हैं। इनमें हल्का सा नमक डाल के या वैसे भी अगर आपका बच्चा खाना चाहे तो आप उसको थोड़ा सा मैश करके इनको खिला सकते हैं। इससे उसका वजन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका पेट भी भरेगा। चीकू का शेक, आप चीकू को अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा दूध मिला के यह भी अपने बच्चे को दे सकते हैं, यह भी उसके लिए बहुत अच्छा है। तरबूज के स्लाइसिस, अब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वह हाथ में पकड़कर खाना खा सकता है और बच्चों को ज़्यादा अपने हाथ में पकड़कर चीज़ें खाना ही पसंद होता है, इसलिए आप उसको तरबूज के पतले पतले स्लाइसिस करके खिलाइए। ध्यान रखें कि उनमें बीज निकले हुए हों ताकि वह उसको गले में ना फंसा ले। स्ट्रॉबेरी के पीसेस, आप अपने बच्चे को स्ट्रॉबेरी को ऊपर से अच्छी तरह से धोकर ऊपर से काट के उसके पतले पतले स्लाइसेस करके भी खिला सकते हैं, यह भी वह चाव से ज़रूर खाएगा। बनाना शेक, 1 साल से पहले आप अपने बच्चे को बनाने को मैश करके उसमें दूध डाल के खिलाते थे, लेकिन अब आप अपने बच्चे को बनाना शेक भी पिला सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में दूध होगा और वह आसानी से इसको ग्लास से पी भी सकता है क्योंकि अब वह थोड़ा बड़ा हो गया। दही में फ्रूट्स मिलाकर फ्रूट्स रायता बनाकर भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आप दही को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें कई तरह के फ्रूट्स को छोटा छोटा बारीक काट कर एक क्रीमी फ्रूट चाट की तरह भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं, यह भी उसको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह से वह फ्रूट्स भी खा लेगा और वह दही भी खा लेगा, जो दोनों चीज़ें उसके वजन बढ़ाने में और उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत अच्छी होती हैं। पालक को उबाल कर उसको मैश करके या इसकी प्यूरी बना के आप अपने बच्चे को खिलाएं। पालक उसके मस्तिष्क की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। पालक में बहुत सारा आयरन होता है जो उसका खून भी बढ़ाएगा और उसका HP भी ठीक रहेगा। सेब की स्लाइस या एप्पल शेक, आप अपने बेबी को पतली पतली सेब की स्लाइसिस काट कर भी हाथ में पकड़ा दें, वह उसको चाव से खाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एप्पल शेक बनाकर भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। दाल चावल की खिचड़ी, किसी भी धुली दाल को के साथ आप चावल को उबाल कर उसकी अच्छी तरह से उनको मैश करके उसकी खिचड़ी बनाकर भी आप अपने बेबी को खिला सकते हैं, इसे भी उसके डाइट प्लान में आप शामिल कर सकते हैं। टमाटर पर गाजर की स्लाइसिस या टमाटर का रस भी आप उसको दे सकते हैं। बस गाजर की स्लाइसिस देने से पहले ये ध्यान रखें कि वह बहुत ही पतली पतली स्लाइसिस हों, क्योंकि 1 साल तक ज़्यादातर बच्चों के थोड़े से ही दांत आते हैं, इसलिए उनको इसको खाने में दिक्कत हो सकती है। पपीता शेक या कद्दू के पीस, आप अपने बच्चे को पपीता शेक भी बनाकर खिला सकते हैं। इसके लिए आप पपीते के बीज निकालकर उसको अच्छे से साफ करके दूध के साथ उसको मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसका शेक बना सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को कद्दू का हलवा बनाकर भी खिला सकते हैं। इसको भी आपको अच्छे से साफ करके छोटे छोटे पीसीस में काट कर अच्छी तरह से पका लेना है, उसके बाद किसी तरह का इसमें अगर आप चाहें तो मीठा मिला सकते हैं। कद्दू भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यह खाने में भी स्वाद होता है, इसलिए आप उस कद्दू भी इस रूप में आसानी से खिला सकते हैं। आप चाहें तो कद्दू की प्योरी बनाकर भी अपने बच्चे को दे सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी होती है।
बॉइल्ड एग या आमलेट। अब आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तो आप उसको आसानी से एग खिला सकते हैं। आप अपने बच्चे को बॉइल्ड एग खिलाएं या फिर उसका आमलेट बनाकर जिसमें हल्का सा नमक डला हो वह भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, यह उसके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। इसके अलावा भी आप कई तरह के फ्रूट्स की प्योरी भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप मखाने की खीर बना के या साबूदाने की खीर बना के, जिसकी रेसिपीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे के डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यह ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे चलना सीखते हैं, वह और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना सीखते हैं, इसलिए उनको पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी ग्रोथ भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए उसकी डाइट का खास ख्याल रखें। उसकी डाइट में हर तरह के पोषक तत्व आप शामिल करें, जिससे कि वह हर तरह से अच्छे से विकास कर पाए। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।